तो नेक्स्ट हमारे पास है ये है काफी क्यूट सा शॉर्ट्स, लाइक आप देख सकते हो इसकी डिटेलिंग जो है काफी अच्छी है, मेश टाइप का है ये। और ओके मैं बैक दिखा रही थी, ये फ्रंट है, फ्रंट है, साइड में हमें एक पॉकेट मिलती है और ये चेन है, ठीक है। मैंने इसे ले तो लिया, मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ, मैंने इसे ले तो लिया, मैंने चेक भी नहीं किया था कि इसमें इलास्टिक है या नहीं, मेरे को लगा था कि नॉर्मल है इलास्टिक होगा, ठीक है। बट जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि ओ शिट, ये तो बस ऐसे ही फिट होने वाला है, तो मेरे को लगा था कि ये वेस्ट है, मैं नहीं होगा, मैं किसी को दूंगी, ठीक है। बट मैंने जब इसे ट्राई किया भाई साहब, ये बिल्कुल ना ड्रीम की तरह फिट हो रहा था मुझ में, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी काफ़ी क्यूटेस है, ब्लैक टी शर्ट या फिर वाइट प्लेन टी शर्ट के साथ पहनो मस्त लगेगा, ठीक है। तो ये मेरे को पड़ा था 80 रुपीज़ का, या 80 रुपीज़ का ये है। और नेक्स्ट है ये, दिस इज़ अ क्रॉप शर्ट, नॉट वाली शर्ट है ये, ठीक है। और इस पर जो है कुछ इस तरह की डिटेलिंग दी गई है, लाइक प्रिंट आप देख सकते हो, सी। तो ये भी काफ़ी अच्छा, मैंने अभी तक इसे पहना नहीं है और ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है, अगर आप कंफर्टेबल हो तभी लेना। ये मेरे को पड़ा था 100 रुपीज़ का, ठीक है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो है वो भी एक शर्ट है, सी, ये बिल्कुल प्लेन सा शर्ट है, न्यूड टाइप का, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। और ये शायद पता नहीं इस फैब्रिक को क्या बोलते हैं ना, मैं फैब्रिक में थोड़ी सी कच्ची हूँ, ठीक है। और ये भी मेरे को पड़ा था 100 रुपीज़ में और ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल येट फैशनेबल लग रहा था, दैट्स वाई मैंने इसे पिक किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये टी शर्ट, इसकी जो स्लीव्स है ये बैगी काइंड ऑफ है, ठीक है, बैगी काइंड ऑफ। और ये जो इसका मटेरियल है ये इलास्टिक की है यहाँ से, ठीक है। और स्क्वायर नेक है आगे से भी पीछे से भी, ये मैंने अभी तक वेयर नहीं किया है, वेयर करूँगी तो मैं फ़ोटोज़ लगा दूँगी इंस्टाग्राम पे, आप लोग जाके देख लेना। और मुझे अगर इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर लेना, ठीक है, जैसे इस ड्रेस का लुक देखने के लिए आप वहाँ पे जा सकते हो, मेरे को मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये है एक श्रग, आई नो कि श्रग्स जो है वो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, बट यू नो कभी कभी ना ऐसे लियरिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक भी देता है, तो मैंने ये 50 रुपीज़ में लिया था। मैं ब्लैक कलर खोज रही थी, ब्लैक में मिल जाता तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चलता है। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास है ये प्लाजो पैंट्स, सी, ये मैंने एक बार वेयर कर चुका है, दैट्स वाई आपको ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा, ये नीचे से इसकी कुछ ऐसी डिटेलिंग है, ठीक है। और ऊपर में यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था ये, और इसके ऊपर का सेट है ये, सी, ये कुर्ता कितना ज़्यादा प्रिटी कलर लग रहा है इसका, ये मेरा फेवरेट परचेज है सरोजनी नगर से। तो ये दोनों मुझे पड़े थे 200 के, हाँ ये सेट है, ये मेरे को 200 का पड़ा था। और गाइस मैंने आपको ऐसे लेन वेन तो बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं खुद वहाँ पर पहली बार गई थी तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बट हाँ देखो जैसे कि मेन एंट्रेंस से हम लोग एंटर करते हैं जहाँ पे चेकिंग वेकिंग होता है, मेट्रो से निकलते ही तो हम लोग उस साइड से एंटर किए थे, ठीक है, वहाँ से सीधा चले थे हम लोग। और फिर ना मेरे को एक बिग सी की लेन दिखी थी, ठीक है, उस लेन में वहाँ पर एक मंदिर है, मतलब ग्रेफिटी लेन के सामने एक मंदिर है और वहीं पे ये लोग नीचे ऐसे बैठते हैं और वो लगाते हैं। देखो डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा तो मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो लोग का जो है वो पटरी जो होती है वो ना डेली चेंज होते रहती है, ठीक है, वो एक जगह पे नहीं बैठते हैं, तो मैं बता नहीं सकती उस दिन जहाँ पर था, मैं बता रही हूँ वो भैया वहीं पर बैठे थे और मैंने उनसे ये लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास ये प्लाजो पैंट्स, इस पर कुछ ऐसी डिटेलिंग है, ब्लैक कलर की है ये और ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है, आप अपने किसी भी कुर्ते के साथ पेयर अप कर सकते हो एंड गुड टू गो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मैंने खरीदा था मतलब लिया था वो एक क्वेट सेट है ये, और ये मेरे को पड़ा था एनी गेसेस 190 रुपीज़ का, वो बोल रहे थे 250, बट यार बार्गेन तो करना ही है ना सुरेंद्रनगर में, तो ये मैंने लिया था, ये इसके ऊपर का है, ऐसे तो आप इसे घर में पहन सकते हो बट मैंने अभी तक इसे पहना नहीं है, मैंने सोचा कि अभी ठंड आ रही है तो ऐसे इतना स्लीवलेस पहनने में, अगर आप कंफर्टेबल हो ना तो आप बाहर भी ईजिली पहन के जा सकते हो, बट मैं नहीं हूँ, मतलब
आज हमें कौन ही पहनेगा यार, ठीक है। तो इसके ऊपर आप मस्त सा एकदम कुछ भी जैकेट वगैरह डालो और ये बहुत अच्छा लगने वाला है। सो या ये है इसके ऊपर का, और सेम जस्ट सेम ये बिल्कुल कॉटन है और सेम डिज़ाइन सेम पैटर्न में ये नीचे का इसका शॉर्ट्स है। ये हाई वेस्टेड शॉर्ट्स है और ये पहनने पे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। लाइक इसे ना पहनोगे ना तो यहाँ पे नीचे में कुछ ऐसी डिटेलिंग आएंगी और ये ना मुझे बहुत 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 क्यूट लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने लिया था ये भी मैंने लिया है। लाइक हल्की हल्की सी ठंड आने लगती है ना जब, तो आप ये पहन के जा सकते हो। लाइक इसके ऊपर जैकेट या फिर ऐसे भी ये या फिर ठंड में भी आप इसे पहन सकते हो। इसके ऊपर ब्लेजर, डेनिम जैकेट, तो कुछ भी चीटर वगैरह डाल करके। ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही क्यूट लगेगा पहनने पर। और ब्लैक कलर तो सबके साथ चला जाता है, इसलिए मैंने ये लिया। और ये मेरे को पड़ा था सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज़ का। और गाइस, अगर आप सरोजनी में शॉपिंग कर रहे हो ना, तो एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, चेक करके कपड़े लेना। लाइक मोस्टली जो कपड़े होते हैं ना वो यूज्ड होते हैं, तो आप चेक करके कपड़े लेना प्रेफर करना, ठीक है। वो यूज़ नहीं लग रहा था, बट ये वाला तो मेरे को थोड़ा सा यूज्ड लग रहा है। ये भी मेरे को 80 का ही पड़ा था, ठीक है। और अगर आपको वैसा कुछ यूज़ लगे या फिर कहीं चेन वेन है ख़राब, अगर आपको वो चीज़ बहुत पसंद आ गई, आपको बनवाना प्रेफर कर सकते हो, तो आप वो लो ना, तो उसमें बार्गेन करो कि भैया ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो वो आपको ना कम करके दे देंगे, ठीक है। तो बार्गेन करना बिल्कुल मत भूलना। और एक ना झोला जो आता है, बैग, बड़ा सा बैग, वो आप कैरी कर लेना अपने साथ, उसमें आप कपड़े रखना। और छोटे पैसे अपने साथ बिल्कुल 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 रखना, क्योंकि वो लोग बड़े नोट्स जल्दी चेंज नहीं रहते हैं उनका, दैट्स वाई हमें रखना चाहिए, ठीक है। तो ये है टिप क्या, ये तो सबको पता होगा, आप लोग भी बहुत सारे यूट्यूबर्स की, इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखते हो गए, दैट्स वाई मैंने भी बता दिया। तो ये है नेक्स्ट टॉप, ये मेरे को बहुत पसंद आई, लाइक ये मैं अपने ब्लैक जीन्स पे पहनूंगी। ये मैं गर्मी में भी पहन सकती हूँ, ये मैं ब्लैक जीन्स पे पहनूंगी, कभी बाहर बाहर जाऊँगी तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेगा, है ना। तो ये भी मेरे को 80 रुपीज़ का पड़ा था, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, शर्ट ही है ये भी, हाँ। तो दिस, ये भी एक नॉट वाली शर्ट है, ये भी क्रॉप शर्ट है, और ये तो मेरे को ना बहुत पसंद आई है यार। मतलब इसका नॉट वगैरह और इसका कलर भी मैं ना आजियो वाइब्स दे रहा है, ठीक है। आजियो से जब मैं शर्ट्स मंगाती हूँ ना, बिल्कुल ऐसी ही रहती है TNMX की, तो ये बिल्कुल वही वाली वाइब दे रहा है। ये बहुत क्यूट है और इसमें आप देख सकते हो ना, ये ऐसी गोल्डन लाइनिंग दी हुई है, गोल्डन है ना, ठीक है। तो वो मेरे को 100 की पड़ी थी। और अब आते हैं इस पे, हाँ। तो ये है एक ड्रेस, सी ये एक ड्रेस है, और ये भी मेरे को 100 की पड़ी थी। और बैक से ना ये कुछ ऐसी बटन वाली है, मैंने ना सारा बटन नहीं लगाया था, मैंने चेक करके देखा था, तो ये बैक से ना मेरे को बहुत बहुत क्यूट लगा था। देखो आप लोग, ये ना बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है। अगर आप ऐसे भी पहन सकते हो, पहनते हो तो आप पहनना इसको, अदरवाइज आप लेगीज पे भी पहन सकते हो इसको, ब्लैक लेगिंग पे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेगा। ये मेरे को पड़ा था सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ का। सो ये अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये तो बॉम्ब है भाई, बॉम्ब। ये ना मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये मेरे को, बट मेरे घर वाले यार पहनने नहीं देते, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा प्ले सूट ड्रेस है, ठीक है। मैश इसका पूरा नेट है आगे से, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे ना अंदर में आप कुछ कोई सा भी ब्रालेट वगैरह इस पे पेयर कर सकते हो, अगर आप डीप नेक प्रेफर नहीं करते। वैसे ना ये ब्रालेट के साथ भी ज़्यादा क्यूट लगेगा। और बैक से आप देख सकते हो ये पूरा लाइक ऐसा है, ऐसा। इसीलिए ना मैं आशी के बर्थडे में पहनने वाली थी, बट मेरे घर वालों ने इसे पहनने नहीं दिया मेरे को। तो यार ये बैक साइड से कुछ ऐसा है और फ्रंट से ऐसा है और नीचे में कुछ ऐसा है। ये जब मैं पहनूंगी तो मैं इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना गाइस। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, और ये है ये एक क्यूट सा टैंक टॉप। देखो
ये ना ये कलर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। एक और ब्रांडेड था वो मेरे को नहीं मिल रहा, ब्लैक कलर का था, पता नहीं कहाँ रख गया मैंने। सो यार वो मेरे को पड़ा था 100 रुपीज़ का। और अब आते हैं ड्रेस पे, तो मैंने ये ड्रेस लिया था सरोजनी नगर से, ये पिंक कलर की एक ड्रेस है। आगे से इसका नेक है ऐसा, ठीक है, और ये ऑफ शोल्डर कोल्ड शोल्डर जिसे बोलते हैं ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका पैटर्न है। और ये बिल्कुल प्लेन है और नीचे से कुछ ये ऐसा दिखता है। और बैक से इसका जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा है, लाइक बैक से कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये मेरे को पड़ा था 200 रुपीज़ का। तो ये मेरे पास है एक जॉगर्स जो मैंने बाय किया था सरोजनी नगर से, मैं एक बार पहन चुकी हूँ इसलिए कुछ क्रश दिख रहा है आप लोगों को। ये बिल्कुल प्लेन जॉगर्स है, ब्लैक कलर की, ये मेरे को पड़ी थी 150 रुपीज़ की। और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, मेरे को बहुत 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 पसंद है ये ऐसी चीज़ें, लाइक जस्ट पहन लो डेनिम में ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट डेनिम में मुझे बिल्कुल बिल्कुल पसंद। ओके गाइस, तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और क्लोथिंग के लिए ये बस इतना था। और जो मैंने मेकअप बैग क्लिप्स ये सब जो भी कुछ लिया ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और कौन कौन एक्साइटेड है नेक्स्ट वीडियो के लिए वो भी बता देना। और फुटवेयर बैग्स ये सब भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो या इस वीडियो में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब, बाय।